ओके फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आपके नाम पर कितने सिम कार्ड चालू हैं, वो आप कैसे पता कर सकते हैं। बिल्कुल ही जेन्युइन एवं आसान तरीके से आप पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है, देन फिर यहां पे सर्च बार में सर्च करना है TAFCOP। वैसे मैं इस वेबसाइट का लिंक जो हूँ वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पे फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है, उसके बाद कुछ इस प्रकार से हमारा इंटरफेस आ जाता है, देन फिर नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपके नाम पर जो भी सिम कार्ड फिलहाल में चल रही है वो सिम कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। मैं यहाँ पे नंबर फिल कर देता हूँ। नंबर फिल करने के बाद जो है वो आपको यहाँ पे कैप्चा दिया जाएगा, जो कि कैप्चा आपको फिल करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे कैप्चा फिल कर दे रहा हूँ, ठीक है। देन फिर वैलिडेट कैप्चा का जो है वो ऑप्शन दिया गया है, तो हमें क्या करना है, वैलिडेट कैप्चा पे क्लिक करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि सक्सेस का पॉपअप आ चुका है। देन फिर आपको जो भी नंबर यहाँ पे आपने डाला है उस नंबर पे एक OTP आएगा, जो कि यहाँ पे OTP वाले डब्बे में आपको जो है वो फिल करना है OTP, ठीक है। मैं यहाँ पे OTP फिल कर दे रहा हूँ। OTP फिल करने के बाद जो है वो लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है, तो लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। फिर थोड़े टाइम के लिए ये जो वेबसाइट है वो सर्च लेगा। सर्च लेने के बाद आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से हमारा इंटरफेस जो है वो आ चुकी है। उसी के साथ साथ आपके नाम पर कितने सिम कार्ड रजिस्टर्ड हैं वो सभी के सभी यहाँ पर शो होने लगेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। उसी के साथ साथ सभी सिम नंबर भी जो है वो शो होने लगेंगे। देखिए, जो भी नंबर आपकी यूज़ में है, ठीक है, वो तो ठीक है, बाकी कोई ऐसा नंबर भी यहां पे आपको दिख रहा है जो कि आपकी यूज में नहीं है, तो आपको क्या करना है, यहां पे बॉक्स जो दिख रहा है, ठीक है, ये वाला, तो जो भी सिम कार्ड आपके यूज में नहीं है, ठीक है, आपके पास नहीं है, आपको क्या करना है, बॉक्स पे टिक करना है। टिक करने के बाद नॉट माई नंबर का यहां पे ऑप्शन दिया गया है, देन फिर नॉट माई नंबर पे आपको क्लिक करना है। उसी के साथ साथ नीचे में रिपोर्ट का ऑप्शन दिया गया है, तो रिपोर्ट वाले पे आपको यहां पे क्या करना है, क्लिक कर देना है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग पता कर सकते हैं कि आपके नाम कितने सिम कार्ड जो है वो चालू है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।